ये वीडियो कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए बनाई जा रही है जो एनसीईआरटी बुक से ली गई है और अभी चैप्टर में विविध प्रश्नावली का सवाल नंबर 8। अभी चैप्टर में विविध प्रश्नावली का सवाल नंबर 8 दिया है। यदि ए इक्वल टू 3 1 -1 2 हो तो सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर -5 a+7 i इक्वल टू ओ। ओ का मतलब होता है रिक्त समुच्चय, यानी एक ऐसा समुच्चय जिसके सभी सदस्य 0 हो। तो यहाँ पर हमको सिद्ध करना है ये लाइन इस समीकरण को सेटिस्फाई करना है। तो यहाँ पर चूंकि आपको सिद्ध करना है ए स्क्वायर -5 a+7 i इक्वल टू ओ, तो ए की जगह पर ए का वैल्यू हम रख देते हैं 3 1 -1 2। और फिर से हम यही चीज लिख देंगे क्योंकि ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार उसी का गुणा। तो फिर से लिख दिया जाएगा 3 1 -1 2, क्योंकि ए स्क्वायर की वजह से इसको हम 2 बार लिखे हैं। -5 * ए की वैल्यू फिर से वही लिखेंगे आप 3 1 -1 2 +7, और आई की वैल्यू आपको पता है 1 0 0 1 इक्वल टू, ओ की जगह पर हम लिख सकते हैं 0 भी लिख सकते हैं, ओ की जगह पर हम 0 भी लिख सकते हैं, नहीं तो यह ओ रहे। तो चलिए इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और राइट हैंड साइड ओ हिला देंगे हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड हमने इसका समझ लीजिए ले रखा है LHS, और LHS को सॉल्व करते करते हम RHS यानी ओ को प्राप्त करेंगे। ओ प्राप्त करने का मतलब हुआ कि हम 0 0 प्राप्त करेंगे। चलिए इसको करते हैं। अब इसका इसमें गुणा करना है, 3 का 3 में जब आप गुणा करोगे तो हो जाएगा 9, और 1 का 1 में गुणा करोगे तो हो जाएगा -1। अब फिर से -1 का 3 में, फिर 3 का 1 में गुणा करेंगे, 3 1 3 होगा, और 1 का 2 में गुणा करेंगे तो +2 होगा। -1 * 3 हो जाएगा -3, और 2 * -1 होगा तो -2, और फिर -1 * 1 हो जाएगा -1, और 2 * 2 हो जाएगा +4। तो इस तरीके से हमने इसका गुणा कर दिया। अब -5 का 3 में गुणा करेंगे, 5 * 3 = 15, और 5 * 1 = 5, 5 * 1 = -5, 5 * 2 = 10। 5 का अंदर गुणा कर दिया गया, +7 का अंदर गुणा कर देते हैं, 7 0 0 7। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसका सलूशन आगे कैसा होता है। 9 में से 1 घट जाएगा 8 आएगा, 3 2 5 हो जाएगा, ये -5 हो गया और ये 3 हो गया। -15 5 -5 10 +7 0 0 7। अब क्या करना है, अब इन सबको जोड़ देना है, अब इन सबको क्या करना है, जोड़ देना है। एक ही आव्यूह के अंदर इन सबको जोड़ करके लिखना, 8 + 15 + 7। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब 8 + 15 तो होगा, लेकिन इसके बाहर माइनस चिन्ह है, तो 8 - 15 + 7। अब उसके बाद 5 - 5 + 0, 5 - 5 + 0, और देखिए आप आगे देख सकते हैं -5 और -5 + 5 हो जाएगा, -5 + 5, ये +5 कैसे होगा, ये माइनस और ये माइनस दोनों मिल करके प्लस हो जाएगा, और उसके बाद ये +0 है। और दूसरा वाला तत्व जोड़ लीजिए दोनों से, दूसरा 3 - 10 और +7। अब इसको जोड़ दिया जाए, जोड़ देने के बाद आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो 8 और 7 15 में से 15 घट गया 0, -5 + 5 0, -5 + 5 0, 3 और 7 10, 10 में से 10 घट गया 0। यानी यह ऐसा आव्यूह आ गया जिसके सारे सदस्य, जिसके सारे एलिमेंट क्या आ गए, 0 आ गए। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
और इसको हम ओ लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्राप्त कर चुके हैं और यही हमारा आंसर है RHS। अब मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा और मैं क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करूँगा। देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, यदि आव्यूह के अंदर एक्स माइनस पाँच माइनस वन और दूसरे आव्यूह का गुणा होगा इसमें 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3 इंटू x 4 1 = 2 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका गुणा इसमें कर लेंगे, उसके बाद हम इसका गुणा उसमें करेंगे जो इसका गुणनफल आएगा उसमें। तो चलिए ज़्यादा बताने से पहले हम उसका गुणा कर ही देते हैं। एक्स माइनस फाइव माइनस वन ऐसे रहने दीजिए और गुणा कर दीजिए। 1 का एक्स में करेंगे तो एक्स होगा, 0 का 4 में करेंगे तो 0 होगा और 2 का 1 में करेंगे तो +2 होगा। अब फिर से इस पंक्ति का कर दीजिए, इसमें 0 का एक्स में करेंगे तो 0 होगा, 2 का 4 में करेंगे 2 * 8 होगा, +1 का 1 में करेंगे तो 1 होगा। फिर से आ जाइए, 2 का एक्स में करेंगे तो 2x होगा, +0 का 4 में करेंगे तो 0 होगा, 3 का 1 में करेंगे तो 3 होगा। गुणा कर रहे थे हम और इधर राइट साइड में लिख देंगे ओ। अब क्या होना है, अब इसको जोड़ लेना है, अगली लाइन में जोड़ना है इसको एक्स माइनस फाइव माइनस वन। तो ये जब जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा एक्स प्लस टू, ये हो जाएगा 8 1 9, और उसके बाद क्या होगा 2x + 3 = इसको आप ओ न लिख करके शून्य लिख सकते हैं क्योंकि उसका वैल्यू शून्य होता है। अब इसका गुणा हम इन तीनों एलिमेंट में करेंगे, x का x प्लस टू में जब गुणा होगा तो x² + 2x और -5 का 9 में गुणा होगा तो -5 * 9 = 45। अब -1 का 2x + 3 में होगा तो -2x - 3, ये हो गया = 0 के। अगर इसको भी हम समुच्चय वाले चिन्ह में लिख दें तो गलत नहीं माना जाएगा। अब दोनों समुच्चय या आव्यूह, आव्यूह कहते हैं इसको, अब दोनों तरफ से आव्यूह का चिन्ह हम छोड़ देंगे तो हो जाएगा ये +2x - 2x तो कट गया, तो बचेगा x² - 45 - 3 = 0, क्योंकि +2x - 2x कट गया तो ये, और ये बचा यहाँ मैंने लिखा और x² = 0। तो x = हो जाएगा 45 3 48 हो रहा है, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो +48 और x = हो जाएगा प्लस माइनस कर्ली के अंदर 48 जो हो जाएगा +-16 3 48 यानी 4 * 3। तो ये हुआ x का मान। तो इस तरीके से हम सवाल नंबर 8 और 9 सॉल्व किए हैं, जिसमें सिद्ध करना था 8वें में और 9वें में x का मान ज्ञात करना था। तो आज की इस वीडियो में बस यही दोनों सवाल, अगले दिन अगली वीडियो में आएंगे लेकर के सवाल नंबर 10 11 और 12। और तब तक इस वीडियो को आप देखें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के बारे में, ताकि वो लोग भी इस चैनल का लाभ लें और उनकी भी पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से हो सके। धन्यवाद।